सो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल गरिमा रेसिपीज को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ गरिमा और गरिमा रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पिज्जा, एंड वो भी बहुत ही सिंपल, बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ में। अगर आपके पास में कोई चीज नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स अपने किचन में से निकालिए एंड बस अपने पिज्जा को आप बहुत इजीली रेडी कर सकते हैं, और वो भी बिना माइक्रोवेव ओवन के। आज हम बनाने जा रहे हैं तवा पिज्जा, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। फ्रेंड्स, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे फेसबुक ग्रुप पर, मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक ये रहा। So without wasting any time, let's get started. So friends, बहुत ही simple and बहुत ही easy तरीके से आज हम pizza बनाएंगे, and जो भी आपके पास में basic ingredients है, बहुत ही basic ingredients utilize होते हैं, उसके साथ में शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने लिया है एक मीडियम साइज कटी हुई अनियन यानी प्याज को मैंने काट लिया है, एक मीडियम साइज कैप्सिकम यानी शिमला मिर्च, एक टमाटर और दो हरी मिर्च। इन सब चीजों को मैंने अच्छी तरीके से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। ये पिज्जा का डो है एंड इसको मैंने ऑलरेडी पहले तैयार कर लिया है। इसकी जो रेसिपी है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल में आपके साथ में शेयर कर दूंगी। थोड़ा सा नमक एज पर टेस्ट एंड आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा सॉस, एक चम्मच मेयोनीज, मेयोनीज को एक अलग टेस्ट लाने के लिए हम यूज करते हैं, एंड दो चीज की स्लाइस। मेरे पास में मोजरेला चीज नहीं था। मैंने जैसे आपको बताया कि बहुत ही सिंपल बेसिक जो भी इंग्रेडिएंट्स आपके घर पर हैं, हम स्पेशल मार्केट से कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं लेकर आएंगे, उन्हीं सब इंग्रेडिएंट्स से और बहुत अच्छा पिज्जा तैयार करेंगे। तो ये मेरे पास में मोजरेला चीज की जगह मेरे पास में दो स्लाइसेस थी। अब मैं इन चीज की स्लाइसेस को पिज्जा में यूज करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हम पिज्जा की जो टॉपिंग है उसको रेडी कर लेते हैं। ये मैंने मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन की है। अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, थोड़ा सा तेल डालेंगे फ्राई करने के लिए चीजों को। 3 चम्मच के लगभग मैंने तेल डाला है एंड अब तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हुआ है या नहीं हुआ, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी प्याज डाल के देखते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम बाकी सारी प्याज डाल देंगे इसमें। सबसे पहले हम प्याज को फ्राई कर लेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे। पूरी पकानी नहीं है हमें अच्छी तरीके से, प्याज को गोल्डन नहीं करना है, हल्का पकाना है इसको, जिससे कि जैसे बीच में से हमें पता चल जाएगा थोड़ी सी पक गई एंड देन फिर बाकी और इंग्रेडिएंट्स हम इसमें ऐड कर देंगे। फ्लेम लो और मीडियम में ही रहेगी, कभी लो कभी मीडियम, कंटिन्यूसली प्याज को चलाते जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हरी मिर्च जो काटी हुई हरी मिर्च थी एंड कटी हुई शिमला मिर्च, एंड हम तीनों इंग्रेडिएंट्स को चला देंगे। प्याज हल्की पक चुकी है और कैप्सिकम जो शिमला मिर्च है वो भी हल्की पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, 1 मिनट के लिए सब चीज़ों को चला लेंगे। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे तो सारी चीज़ों को चला लेंगे हम। टमाटर भी बहुत ज़्यादा पकने नहीं चाहिए, थोड़े से पक चुके हैं सारी इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का पक चुके हैं, बहुत ज़्यादा पकाने नहीं है। और अब मैं इसमें डालूंगी सॉस, टेस्ट के हिसाब से आप सॉस डाल सकते हैं, 1 से 1.5 चम्मच सॉस काफ़ी है। यानी मैंने सॉस डाल दिया और अब मैं इसको कंटिन्यूसली चलाती हूँ। सॉस एक बहुत अच्छा और बहुत ही बेहतरीन टेस्ट लेकर आता है, इसलिए इसमें सॉस डाला है। मेयोनीज डालूंगी 1 चम्मच। अब सब चीज़ों को अच्छी तरीके से चला देंगे एंड अब हम गैस को बंद कर देंगे। टॉपिंग्स को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, तब तक जो पिज़्ज़ा का डो बनाया है उसका बेस तैयार करते हैं, पिज़्ज़ा का जो बेस है वो तैयार करते हैं। इस पिज़्ज़ा की स्पेशलिटी ये है कि इसको हम तवे पर बनाएंगे बिना ओवन बिना माइक्रोवेव के। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही फटाफट बनने वाला है, 10 मिनट में आपका पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले मैं इसका जो आटा है वो स्प्रेड कर दूंगी, जिससे कि जो पिज़्ज़ा का जो डो है वो बिल्कुल चिपके नहीं। और ये मेरे पास में थोड़ा सा थिक डो है, ये इतना मोटा मैंने डो लिया है, एंड डो को भी हम जो बनाएंगे जो इसको बेलेंगे उसको थोड़ा सा थिक बेलेंगे सर्कल में। ये हमने बिल्कुल रोटी के शेप में बेल लिया है एंड यहाँ से आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा थिक है। अब चलिए इसको थोड़ा सा सेकते हैं। ये मैंने तवा रखा है, मैं गैस को ऑन करूँगी लो फ्लेम पर। तवा थोड़ा गर्म हो चुका है, अब मैं थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर दूँगी। ये मैंने ऑयल स्प्रेड कर दिया है और अब जो मैंने पिज़्ज़ा का बेस तैयार किया है उसको मैं इस तरीके से गैस पर रख दूँगी। इसको हम प्रॉपरली नहीं सेकना है, हल्का हल्का सेकना है। दूसरी तरफ से पलट देंगे, बहुत हल्की तरीके से पलटेंगे क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। इस तरीके से हम दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पका लेंगे। हल्का सा ऑयल स्प्रेड करूँगी मैं, दोबारा फ्लिप करेंगे। आप ये देख सकते हैं हमारा जो बेस है दोनों तरफ से सिक चुका है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब आप ये देख सकते हैं हमारा जो बेस है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, दोनों तरफ से सिक चुका है। फ्लेम को हम बिल्कुल लो रखेंगे और अब हम इस पे डालते हैं इसकी टॉपिंग्स और स्प्रेडिंग। तो सबसे पहले मैंने डाला सॉस, हल्का सा सॉस डाल दिया एंड अब उसको स्प्रेड कर देंगे। जो टॉपिंग्स तैयार की थी वो मैं टॉपिंग स्प्रेड कर दूंगी और अब मैं इस पे स्प्रेड करूंगी फाइनली चीज़। चीज़ जैसा कि आपको पता है मेरे पास में मोज़रेला चीज़ नहीं है, तो मैं ग्रेट करके नहीं डाल सकती हूँ, ग्रेट करके नहीं डाल सकती हूँ इसको, तो मैं इसको इस तरीके से थोड़ा सा ब्रेक करके डालूंगी। ये मैंने चीज़ स्प्रेड कर दिया है, थोड़ा सा फ्लेम को
मीडियम कर देंगे एंड जिससे थोड़ा सा चीज़ पिघल जाए, इसलिए हम इसको लिड से कवर कर देंगे। एंड अब हम इसको हटा देंगे, लिड को हटा देंगे एंड गैस को बंद कर देंगे, क्योंकि हमारा जो चीज़ है जितना हमें मेल्ट चाहिए था उतना मेल्ट हो चुका है। और अब हम पिज़्ज़ा को, इट्स रेडी टू सर्व, अब हम इसको सर्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये लीजिए, हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी तरीके से, बहुत ज़्यादा इंग्रीडियंट्स की ज़रूरत नहीं है। एंड सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास में माइक्रोवेव और ओवन नहीं और आपको पिज़्ज़ा खाने का मन है, तो फिर आप इसको तुरंत फटाफट तवे पर भी बना सकते हैं। तो इसको आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा एंड अपने कमेंट्स मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें।